आने क्लास फोर्थ। बच्चों आज हम क्लास फोर्थ में हैं, आपको ये लेसन सिक्स मेरे पीछे ही फॉर्म की जो प्रैक्टिस बुक है ये देखिए, ये प्रैक्टिस बुक इसी की एक्सरसाइज हम आपको कराएंगे। किसकी? लेसन सिक्स मेरे पीछे फॉर्म। फिर से बताते बच्चों, जहाँ पे मेरी बारी लिखा होता है वो आपकी प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज होती है, और जहाँ पे आओ करे लिखा होता है वो आपकी कोर्स बुक की एक्सरसाइज होती है। तो ये देखिए, ये आपकी प्रैक्टिस बुक है, इसमें आप खोलिए पेज नंबर 23। ये देखिए, ये आपका पेज नंबर 23 है, इसको आप लोग ओपन करिए। इसमें दिया गया है फर्स्ट एक्सरसाइज है मेरी बारी एक। मेरी बारी एक में क्या दिया गया है बच्चों? संबंध बोधक शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए ये संबंध बोधक शब्द लिखे हुए हैं, ये देख रहे हैं ये, इन्हीं शब्द को लेते हुए आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। जैसे फर्स्ट है के अलावा, ठीक है, तो हमने क्या सेंटेंस बनाया है? टोकरी में फल के अलावा कुछ सब्जियां भी हैं। सेकंड है के भीतर, हमने क्या सेंटेंस बनाया है? माँ रसोई घर के भीतर खाना बना रही है। थर्ड है के सामने, सेंटेंस क्या बना है? मेरे घर के पास पार्क है। हाँ सॉरी बच्चों, आप लोग के सामने लिखेंगे, मेरे घर के सामने एक पार्क है। के बिना आप लोग क्या लिखेंगे? के बिना क्या? सोनिया माँ के बिना कहीं जाना पसंद नहीं करती है। फिर से सुनिए, के अलावा में आप लोग लिखेंगे, फर्स्ट है आपका के अलावा, उसमें आप सेंटेंस बना सकते हैं टोकरियों में फल के अलावा कुछ सब्जियां भी हैं। सेकंड है के भीतर, आप लोग सेंटेंस बनाएंगे, माँ रसोई घर के भीतर खाना बना रही है। थर्ड है के सामने, आप लोग लिखेंगे मेरे घर के सामने एक पार्क है। फिर है लास्ट के बिना, तो आप लोग लिखेंगे सोनिया माँ के बिना कहीं जाना पसंद नहीं करती है। ठीक है बच्चों, आप लोग इस सेंटेंस को जो हमने आपको बताया है, ये जरूरी नहीं है कि आप उसी सेंटेंस को लिखें, आप अपने मन से भी सेंटेंस को लिख सकते हैं, लेकिन समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो आपकी बुक में दिए हुए हैं ये संबंध बोधक शब्द, ये इस सेंटेंस में होने चाहिए। ठीक है, अब आइए मेरी बारी दो। मेरी बारी दो में क्या करना है बच्चों? उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है। ये देखिए, ये आपकी मेरी बारी दो एक्सरसाइज है, इसमें ये देखिए, ये आपका क्या दिया है? ऑप्शन दिया है, इन्हीं ऑप्शंस के क्रिया विशेषण के ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शंस में आपको से चूज करके आपको इस जगह पे क्या करना है? फिल करना है। चलिए हम बताते हैं क्या फिल होगा। फर्स्ट है गली के कुत्ते डैश भौंक रहे हैं, क्या फिल कर सकते हैं बच्चों? आप लोग वहां पे जोर से, ठीक है, फर्स्ट में आप लोग क्या फिल करेंगे? जोर से। सेकंड है हमें अपना गृह कार्य डैश करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अचानक की ध्यान पूर्वक, ठीक है, तो आप लोग सेकंड में क्या फिल करेंगे? ध्यान पूर्वक। थर्ड है दादाजी डैश कर रहे हैं, क्या फिल करेंगे? रोज या अभी, वेरी गुड, अभी फिल करेंगे, ठीक है। फोर्थ है बच्चे डैश बैठे हैं, क्या फिल करेंगे? शाम या वहां, गुड, वहां आपको क्या फिल करेंगे? वहां। लास्ट है राखी डैश बोलती है, कम या पीछे, बच्चों आप लोग लास्ट में क्या फिल करेंगे? कम, ठीक। फिर से सुनिए, गली के कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं, हमें अपना ग्रह का ध्यान पूर्वक करना चाहिए, दादाजी अभी आराम कर रहे हैं, बच्चे वहां बैठे हैं, राखी कम बोलती है। आप लोग बच्चों पेज को टर्न करिए, आइए पेज नंबर 24 में। पेज नंबर 24 में बच्चों ये देखिए, ये एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज है मेरी बारी तीन में क्या करना है बच्चों? कुछ क्रिया वर्ड दिए हुए हैं, उन्हीं क्रिया वर्ड को लेकर आपको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। ये देखिए, ये आपकी बुक में दिख रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, ये क्रिया वर्ड्स दिए हुए हैं, क्रिया विशेषण वर्ड दिए हुए हैं, इन्हीं क्रिया विशेषण शब्दों को लेकर आप क्या करना है? आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है आपका धीरे धीरे, हमने क्या सेंटेंस बनाया है? कछुआ धीरे धीरे चलता है। सेकंड है बच्चों आगे, तो हमने क्या सेंटेंस बनाया है? सांप आगे बढ़ रहा है। थर्ड है प्रतिदिन, हमने क्या सेंटेंस बनाया है? मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ। लास्ट है पास, तो आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं? जंगल के पास एक नदी है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे सेंटेंस बनाइए, आप लोग फिर से हम बताएंगे, जरूरी नहीं है कि जो हमने लिखा है वही सेंटेंस बनाइए, आप लोग अपने मन से भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए?
वेरी गुड। ये जो धीरे धीरे आगे प्रतिदिन पास है, इन्हीं सेंटेंस को लेकर ही आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक, अब आइए मेरी बारी चार। बच्चों मेरी बारी चार क्या है, विद्यालय में पहले दिन कुछ बच्चे डरते हैं तो कुछ खुश होते हैं। आपको अपना पहला दिन कैसा लगा था, अपने अनुभव 10-12 वाक्यों में लिखिए। अब मैथ में क्या करना है आप लोगों को, इसको आप लोगों को खुद से करना है। इसमें क्या करना है, जब आपका एडमिशन हुआ स्कूल में और आप पहले दिन स्कूल गए तो आपको कैसा फील हुआ, आप रोए या आपको डर लगा या बहुत खुश हुए कि हम स्कूल जा रहे हैं, हमें टीचर्स मिलेंगी, हमें वहां पे नए नए फ्रेंड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह के, या तो बहुत खुशी होगी या तो आप दहाड़े मार मार के रोना शुरू करेंगे स्कूल जाते समय। बच्चे जाते जाते ज्यादातर बच्चे रोते ही हैं स्कूल पहले दिन जाने में। तो आप क्या किए थे, समझे, तो यही आपको यहाँ पे फिल करना है 10 या 12 लाइन्स में। आपको यहाँ पे नहीं देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को फिल करना है कि आप लोगों को आपका पहला दिन जो आपके स्कूल का था वो कैसा लगा था, आप खुश हुए थे या रोए थे या डरे थे, या आपके मन में डर था कि टीचर कहीं मारे ना। ठीक है, तो यही आपको क्या करना है, लिखना है। इसके बाद बच्चों आइए आओ जुड़े है आपका पेज नंबर 25 पे। आप लोग ये देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या है बच्चों, ये परछाई बनाई गई है हाथ से। आप लोग भी अपने घर में इसी तरह कैंडल जला के या टॉर्च जला के या जैसे भी आप लोगों को क्या करना है कि दो आकृति बनानी है। ठीक है, आप अपने द्वारा बनाइए, या तो आप इसी जो आपकी जो ये बुक में पिक्चर दी हुई है इसको लेकर ही दो आकृति बनाइए, या कोई अलग से अगर आपको आता हो बनाने तो अपने हाथ से आकृति तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको दिखाया था ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है हमने हिरन बनाया था। ठीक है, इसी तरीके से चिड़िया आपका आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, तो आप लोग इसी तरीके से जो भी चीज आप बनाए यहाँ पे आप उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब आपकी ये जो प्रैक्टिस बुक है लेसन 6 मेरे पीछे कौन, ये प्रैक्टिस बुक बच्चों खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी लेसन 6 मेरे पीछे कौन का जो रिवीजन असाइनमेंट है वो हम आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आप लोगों की पोयम छूट गई है, रिवीजन असाइनमेंट जब खत्म हो जाएगा इसी लेसन का मेरे पीछे कौन था, तब हम आपको जो दोनों पोयम आपकी बुक में दी हुई है उसको हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आकृति जरूर बना के यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस बुक में फिल करिएगा और मुझे आप लोग उसकी पिक्चर को खींच के सेंड करिएगा ग्रुप में। ठीक।